देर रात को आप सो रहे हैं और अचानक आपका फोन बजने लगता है। कोई अनजान व्यक्ति आपको फोन करके डराता है, धमकाता है, पर उसका नंबर नहीं दिखता। या कोई ब्लैंक कॉल देकर आपके साथ मजाक करता है या बदतमीजी करता है। आप किसी जरूरी मीटिंग में बैठे हैं और एकाएक आपका फोन बजने लगता है। सर, हम आपको फ्री क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं। आपकी फीस माफ है और साथ में एक फ्री गिफ्ट भी है। आप अपने शहर से बाहर हैं और रोमिंग पर हैं और फोन पर मैसेजेस और कॉल्स आने लगती हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो लग्जरी कार फ्री मिलेगी और कम रेट पर लोन भी अप्रूव हो जाएगा। इन सब अनचाही कॉल्स और बेमतलब के मैसेजेस को बंद करने का कोई तो तरीका होगा। इन सब से कैसे छुटकारा पाएं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनचाहे और अनजाने नंबर की कॉल्स और मैसेजेस कैसे ब्लॉक करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। वैसे तो कई मोबाइल ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप अनचाही कॉल्स और मैसेजेस ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर, आवाज, प्राइवेसी स्टार। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। मिस्टर नंबर एक मोबाइल ऐप है जिसकी मदद से आप कोई भी कॉल या मैसेज ब्लॉक कर सकते हैं। आइए इसे एंड्रॉइड फोन पर इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में गए और यहाँ पर खोज लेते हैं मिस्टर नंबर। ये मिस्टर नंबर आ गया और अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक किया, ये ऐप डाउनलोड हो रही है और ये ऐप अब इंस्टॉल हो रही है। ये ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। अब हम इस पर ओपन पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप अपना देश यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिए और अपना फोन नंबर यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। चलिए मैं अपना फोन नंबर लिख देती हूँ और डन के बटन पर क्लिक किया। ओके, अब ये देखिए, ये कह रहा है कि मिस्टर नंबर जो है आपके रीसेंट कॉल्स और अननोन नंबर्स में से लुकअप कर रहा है। चलिए ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? आप मिस्टर नंबर में जाकर उस इंसान का नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। ये देखिए, ये कॉल आ रही है और ये कोई ऐसा है जिसकी कॉल मैं नहीं लेना चाहती, तो क्या करूं? फिलहाल मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। कॉल तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन अब अगर ये दोबारा मुझे फोन करेगा तो मैं क्या करूँ? यहाँ देखिए, मिस्टर नंबर पे गए, इसे खोल दिया और यहाँ पर ये नंबर आ गया है और हम इस नंबर को चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, नीचे ये एक ब्लॉक का साइन है, इस पर क्लिक करते हैं, ये एक नई स्क्रीन खुल गई। यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि जब ये आपको फोन करेंगे तो आपका फोन क्या करेगा। आप हैंग अप भी कर सकते हैं या फिर आप इनको वॉइसमेल में भेज सकते हैं। तो फिलहाल मैं हैंग अप के ऑप्शन को सिलेक्टेड ही रखती हूँ। और फिर वो पूछ रहा है कि क्या ये स्पैम नंबर है, पर इस इंसान को तो मैं जानती हूँ, ये स्पैम नंबर नहीं है, तो इसलिए मैं इसे नो पर ही रखती हूँ और फिर डन के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब देखिए, आपको मिस्टर नंबर बता रहा है कि ये जो है नंबर, ये ब्लॉक हो गया है। अगली बार जब ये आपको फोन करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये देखिए, ये जैसे ही कॉल आई, ये नंबर अपने आप ब्लॉक हो गया और आप यहाँ पर देख सकते हैं वापस गए। ये देखिए, ब्लॉक्ड हिस्ट्री, ब्लॉक्ड हिस्ट्री के अंदर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, यहाँ से कॉल आई थी 5:34 पर और ये नंबर ब्लॉक हो गया है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप नंबर देख ही नहीं पाते और आपको कोई ब्लैंक कॉल्स देता रहता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में आप सारी वो कॉल्स जो अननोन नंबर से हैं, उन्हें भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। अक्सर जब लोग स्काइप से या किसी दूसरी ऑनलाइन सेवा से कॉल करते हैं तो नंबर दिखता नहीं है। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो आप अपनी
सारे अननोन नंबर्स जो हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जाते हैं, ये देखिए ये नंबर जो है दिख नहीं रहा और इसको अननोन जो है स्क्रीन पर आ रहा है, और ऐसी स्थिति में आपको पता नहीं है कौन है, तो फिर क्या करें। देखिए हम इसको अभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ये तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब हम मिस्टर नंबर में गए पर ये इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ये वो नंबर है जो अभी अभी हमने ब्लॉक किया। आप यहाँ पर चाहें तो और भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस ब्लू कलर की पट्टी पर क्लिक किया जहाँ लिखा है हैंग अप ऑन समवन, ये आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर देखिए आप ऑल प्राइवेट और ब्लॉक नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। अब आपको कोई भी प्राइवेट नंबर से या अननोन नंबर से कॉल आएगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ब्लॉक हो जाएगी। अगर आप बिजी हैं और नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, आप नहीं चाहते कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो नहीं है वो आपको कॉल या मैसेज ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आप चाहें तो उन्हें वॉइसमेल पे भेज सकते हैं या फिर उनके कॉल्स हैंग अप भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए हम मीटिंग में हैं, तो मिस्टर नंबर पे क्लिक किया और यहाँ पर ऊपर गए, यहाँ देखिए ये ब्लॉक लिस्ट खुल गया। ब्लॉक लिस्ट के अंदर जो है आप यहाँ पर हैंग अप ऑन समवन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन है जहाँ लिखा है ऑल नंबर्स नॉट इन माय कॉन्टैक्ट्स, तो ये देखिए इस पर क्लिक किया और अब जो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में या आपकी फोन बुक में एड्रेस बुक में नंबर नहीं है वो आपको फोन नहीं कर पाएंगे और उनकी कॉल हैंग अप हो जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ वॉइसमेल पर भी लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन वॉइसमेल का क्या है कि आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ आपने वो प्लान लिया होना चाहिए और वॉइसमेल फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं होती। अब आप कहीं बाहर छुट्टी पर हैं, आप नहीं चाहते कि ऑफिस वाले आपको परेशान करें, तो क्या करें? आइए देखते हैं। देखिए मिस्टर नंबर पे गए और यहाँ ऊपर क्लिक किया और ये हैंग अप ऑन समवन पे क्लिक किया और यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं ऑल नंबर्स बिगिनिंग विद। चलिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका जो कोड है वो 011 होगा या 9111 होगा, तो हम 9111 डाल देते हैं। अब आपको कोई भी दिल्ली से फोन नहीं कर पाएगा। अगर आप दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो कोई भी आपको अगर दिल्ली से फोन करता है तो अपने आप वो जो है वो हैंग अप हो जाएगा नंबर। ये देखिए ये आपकी हैंग अप की लिस्ट में आ गया। पर अगर घर से फोन आना हो और आप नहीं चाहते कि दिल्ली से जो घर से फोन कर रहे हैं लोग उनकी कॉल ब्लॉक हो, तो फिर क्या करें? ऐसी स्थिति में आप एक्सेप्शन भी सेटअप कर सकते हैं मिस्टर नंबर में। ये देखिए वापस गए यहाँ पर ब्लॉक्ड हिस्ट्री पर और यहाँ पर देखिए और आप यहाँ पर एक्सेप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए वांट टू ब्लॉक एवरीवन इन योर होम टाउन एक्सेप्ट योर मॉम, एड दैट एरिया कोड टू द हैंग अप और सेंड टू वॉइसमेल लिस्ट एंड मेक एन एक्सेप्शन फॉर हर नंबर हियर। यानी कि आप दिल्ली से किसी से भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपके घर से फोन आया तो आप वो फोन लेना चाहते हैं। चलिए यहाँ मेक एन एक्सेप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर आप अपना नंबर डाल सकते हैं, तो हम डाल देते हैं 91 जो इंडिया का कोड है, फिर दिल्ली का कोड और यहाँ पर नंबर डाल देते हैं। ये मैंने ऐसे ही एक नंबर डाल दिया है, ये असली नंबर नहीं है, और ओके के बटन पर क्लिक किया। अब अगर आपको कोई भी फोन करता है दिल्ली से तो अपने आप फोन कट हो जाएगा, लेकिन घर से अगर फोन आता है या इस नंबर से अगर फोन आता है तो वो फोन बजेगा और वो कॉल कनेक्ट भी हो जाएगी। आप सेटिंग्स में जाकर अपने हिसाब से मिस्टर नंबर की सेटिंग्स बदल सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऊपर है सेटिंग्स, यहाँ पर आप चाहें तो अपनी मनपसंद सेटिंग्स रख लीजिए। फिलहाल मैंने डिफॉल्ट सेटिंग्स ही रखी है। अब आप सब अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं मिस्टर नंबर की मदद से। वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।